नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर वन शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत यूरोप के एक बड़े खतरे से जुड़ी खबर से करते हैं। यूरोप में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ज़ापोरिज़्या प्लांट में ब्लैकआउट की आशंका है। तो ये बड़ी खबरें, यूक्रेन के हमले के बाद रिएक्टर जल गया, ब्लैकआउट से कूलिंग सिस्टम ठप हो जाएगा। तो यूरोप में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक कदम से पूरे यूरोप में डर फैल गया है। 21 अगस्त को रूस ने अमेरिका और यूरोप से कुर्स्क का प्रतिशोध लेने का ऐलान किया और 22 अगस्त को रूस के ड्रोन जर्मनी के परमाणु पावर प्लांट पर मंडराने लगे। इसके साथ ही खुफिया रिपोर्ट है कि रूस जर्मनी पर हमले की तैयारी कर चुका है। इस सीक्रेट रिपोर्ट की जानकारी मिलते ही वॉशिंगटन, लंदन, वॉर्सो और बर्लिन में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया है। नेटो ने यूरोप में सेकंड हाईएस्ट लेवल की थ्रेट वार्निंग जारी कर दी है। देखिए क्या है पुतिन का यूरोप पर हमले का ब्लूप्रिंट और नेटो कैसे आत्मरक्षा की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन का रूस की सरहद लांघकर कुर्स्क पर हमले करना कोई सामान्य घटना नहीं है। क्योंकि 2014 से 2024 तक यूक्रेन ने कभी रूस पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 6 अगस्त 2024 से यूक्रेन ने कुर्स्क पर हमले शुरू किए। इसके बाद से यूक्रेन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। रूस के सैन्य ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। रूस की जमीन पर यूक्रेन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। रूस के सैन्य वाहन जल रहे हैं, सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना को ये हिम्मत मिली है नेटो की रणनीति से। नेटो की कुर्स्क रणनीति रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता के लिए संकट बनती जा रही है। कुर्स्क पर हमले के बाद से पुतिन की निर्विरोध सत्ता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पुतिन को डर है कि क्रेमलिन के करीबी एलीट ग्रुप अगर उनके खिलाफ बोलने लगे तो विद्रोह भड़क सकता है। यूक्रेन कुर्स्क तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसने क्रेमलिन के करीब भी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा लांघने के बाद से पुतिन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके सामने कुर्स्क का बदला लेने की चुनौती है। पुतिन को कुर्स्क की जमीन को आजाद कराना है। इसके अलावा कुर्स्क पर हमला करने की साजिश में शामिल अमेरिका और यूरोप से निपटना है। पुतिन अगर कुर्स्क को आजाद कराने, यूक्रेन पर बड़े हमले करने और अमेरिका सहित यूरोप से बदला लेने में नाकाम रहते हैं तो रूस के भीतर उनके नेतृत्व क्षमता और शक्ति पर सबसे बड़ा सवाल उठना तय माना जा रहा है। चौबीस साल से क्रेमलिन से निर्बाध शासन चलाने वाले पुतिन ने इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार कर ली है। पुतिन अब नेटो के साथ छल युद्ध या सीधा युद्ध शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पुतिन मित्र देशों से भी सैन्य समझौते कर रहे हैं। रूस के नो लिमिट पार्टनर जिनपिंग ने भी इस मोर्चे पर तेजी दिखाई है।
मॉस्को में इस वक्त चीन के सैन्य अधिकारी मौजूद हैं। रूस और चीन के बीच कई सैन्य समझौते हो रहे हैं और माना जा रहा है कि युद्ध के दौरान चीन रूस के साथ जंग में उतर सकता है। सैन्य समझौतों के बीच ही पुतिन के निशाने पर यूक्रेन सहित यूरोप के देश आ चुके हैं। इसका पहला विनाशक संकेत जर्मनी से मिला है। जर्मनी के हैम्बर्ग से 70 किलोमीटर दूर ब्रंसबिटल स्लेस्विग-होल्स्टाइन शहर के परमाणु प्लांट पर रूस के ड्रोन मंडराते देखे गए। ये ड्रोन नॉर्थ सी में तैनात रूसी नेवी ने भेजे थे। हमले के डर से जर्मनी ने परमाणु पावर प्लांट को बंद कर दिया। धमाके के डर से परमाणु प्लांट में होने वाली नेचुरल गैस सप्लाई भी बंद कर दी गई। इसके साथ ही जर्मनी को रूस के बड़े हमले की खुफिया रिपोर्ट भी मिली है। जर्मनी के सैन्य बेस पर रूस कभी भी हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट है कि रूस जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर हमला कर सकता है। इस बेस के नॉन मिशन यानी गैर जरूरी स्टाफ को घर भेज दिया गया है। जर्मनी के गालेनकिर्चेन बेस पर चार्ली थ्रेट वार्निंग घोषित की गई है। नाटो सैन्य नियमों के मुताबिक चार स्तर की थ्रेट वार्निंग जारी की जाती है और जर्मनी की ओर से जारी चार्ली थ्रेट वार्निंग दूसरे नंबर पर आती है। यानी यूक्रेन का मददगार जर्मनी मान चुका है कि उस पर रूस के हमले का सबसे गंभीर खतरा है। रूस ने अमेरिकी खेमे के देशों से बड़ी जंग की तैयारी भी पूरी कर ली है। जापान से जर्मनी तक रूसी सेना हमलों के लिए तैयार है। तो रूसी नेवी बड़ी जंग के लिए दो मोर्चों पर तैयार हो चुकी है। जापान के करीब प्रिमोर्स्की में रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट का युद्धाभ्यास 22 अगस्त को पूरा हुआ है। इस फ्लीट ने दुश्मन के हमले रोकने का युद्धाभ्यास किया है। यहां रूस की मॉस्किट एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। इसके साथ ही MPK-82 एंटी सबमरीन शिप से हमले किए गए। फ्लीट ने दुश्मन के समुद्री ड्रोन पर हमला करने का अभ्यास किया। इसके साथ साथ रूस की चार सबमरीन भी युद्धाभ्यास में शामिल रही। दूसरी तरफ काला सागर में रूस के ब्लैक सी फ्लीट ने युद्धाभ्यास किया है। यहां रोबोट बोट, ड्रोन और दुश्मन के एयरक्राफ्ट गिराने की प्रैक्टिस की गई। इसके साथ ही P-420 अनक्रू यानी बिना क्रू वाली बोट से भी हमले किए गए। ये रूस की पैसिफिक फ्लीट के युद्धा अभ्यास की तस्वीरें हैं, जहां अत्याधुनिक जहाज और सबमरीन दुश्मन को घेर कर उस पर हमले कर रहे हैं। रूस की इन युद्धक तैयारियों को देखते हुए अमेरिका भी चौकन्ना हो गया है। अमेरिका ने रूस की तैयारियों को देखते हुए ब्लैक सी के करीब अपने B-52 बॉम्बर उतार दिए हैं। अमेरिका के इस बॉम्बर के साथ यूक्रेन के मिग फाइटर जेट भी ब्लैक सी पर गश्त लगा रहे हैं। अमेरिका ने ब्लैक सी फ्लीट के साथ साथ रूस के बाल्टिक सागर फ्लीट की निगरानी भी शुरू कर दी है। बाल्टिक सागर पर अमेरिका और ब्रिटेन के टोही विमान गश्त लगा रहे हैं। सबमरीन हंटर यानी सबमरीन का पता लगाने वाले P-8 पोसाइडन विमान 2 दिन से बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही जर्मनी की नौसेना ने भी युद्ध का बिगुल फोंक दिया है। जर्मनी की नौसेना के बैंड पर लंदन की टेम्स नदी से गुजरते हुए स्टार वॉर्स फिल्म की डार्थ वेडर थीम बजाई गई। ये वीडियो यूरोप में वायरल हो गया क्योंकि इस म्यूजिक को स्टार वॉर्स मूवी में युद्ध के दौरान बजाया गया है।
रूस अमेरिका और यूरोप को घेरने में लगा है तो अमेरिका ने भी यूक्रेन को रूस पर खुले हमलों की छूट दे दी है। अमेरिका की मदद से रूसी धरती पर यूक्रेन के हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो पुतिन किसी भी दिन यूरोप के किसी नेटो देश पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए, कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर ड्रोन के हमले तेज हो गए हैं। रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेन के टैंक को नष्ट किया है। सुमी कुर्स्क सीमा के करीब यूक्रेन के कई टैंक भस्म। तो यूरोप पर एक बार फिर रेडिएशन का खतरा मंडराने लगा है। इस बार किसी रूस या यूक्रेन की साजिश की आशंका नहीं है, बल्कि खुद राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला यूक्रेन ने किया। रूसी सेना को ड्रोन के टुकड़े मिले हैं और रेडिएशन के डर की वजह से ही पुतिन ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मदद मांगी है। अगले हफ्ते एक स्पेशल टीम कुर्स्क आकर पावर प्लांट की जांच करने वाली है। अगर पुतिन का दावा सही साबित हुआ तो रूस यूक्रेन समेत यूरोप तक न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाही आएगी। पुतिन के इन दावों के बीच कुर्स्क में भीषण जंग भी चल रही है। का सबसे संवेदनशील इलाका, जहां एक धमाके का अंजाम सिर्फ कुर्स्क नहीं बल्कि रूस, यूक्रेन और यूरोप के कई शहरों की तबाही का है। पहले रूस ने यूक्रेन पर कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से रेडिएशन कराने की साजिश बनाने का आरोप लगाया था। और अब पुतिन ने हमले का दावा किया है। पुतिन का आरोप है कि परमाणु ऊर्जा प्लांट पर ड्रोन से हमले किए गए। न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े मिले। न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से रेडिएशन का खतरा है। दावों के बीच न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की जंग बेहद तेज है। दूसरी तरफ अपने परमाणु प्लांट को बचाने के लिए रूसी सेना पूरी ताकत लगा रही है। कुर्स्क के न्यूक्लियर प्लांट में कुल 6 रिएक्टर हैं। इनमें 2 काम कर रहे हैं और 2 बंद हैं। 2 रिएक्टर को बनाने का काम अभी जारी है। 2 न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलने का खतरा है। IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी अगले हफ्ते न्यूक्लियर साइट का दौरा करेंगे और रेडिएशन के खतरे की जांच करवाएंगे। हालांकि यूक्रेन इस तरह के हमलों से इनकार कर रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की खुद क्रुक्स मिशन की कमान संभाल रहे हैं। एक दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडर्स से मिलने फ्रंट लाइन पर गए थे और यूक्रेन के तमाम ऑपरेशन की जानकारी ली थी। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसकी वजह पुतिन के दिल में बढ़ती यूक्रेन की दहशत है।
यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क में नाकामी की वजह से पुतिन दुनिया को डरा रहे हैं। आईएईए के जरिए कुर्स्क को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश में है। यूएन के जरिए पुतिन अपने परमाणु प्लांट को बचाने की कोशिश में है। हालांकि पुतिन की इस रणनीति के बीच दोनों देशों की जंग की रफ्तार में कोई कमी नहीं हुई है। यूक्रेनी सेना से मुकाबले के लिए कुर्स्क में कई कंक्रीट बंकर बनाए जा रहे हैं। 60 बंकर बनाए जाने का काम चल रहा है। कुर्स्क के कई नए इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा जमा लिया है। रूस ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के खिलाफ नया अभियान छेड़ा है, जिसके तहत जमीन और आसमान से यूक्रेनी सेना पर हमले हो रहे हैं। रूस ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य ट्रकों को निशाना बना रहा है। कुर्स्क में हथियार लदा एक सैन्य ट्रक ड्रोन हमले में नष्ट कर दिया गया। वहीं यूक्रेनी सैनिकों की गाड़ी को रूसी फौज ने घेर लिया। यूक्रेन से कुर्स्क के एंट्री पॉइंट पर भी रूस का हमला जारी है। रूसी बॉम्बर्स ने सुमी के पोपोवका में फैब 500 से हमला किया। इस हमले में यूक्रेनी सेना के कई गोदाम और सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। सुमी में ये हवाई हमले उस वक्त हो रहे थे जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद उस इलाके में मौजूद थे। सुमी से कुर्स्क में ऑपरेशन चल रहा है और ज़ेलेंस्की ने सुमी में आकर यूक्रेन के कमांडर इन चीफ सिरिस्की से मुलाकात की। यहां सुमी एरिया के कमांडर भी मौजूद थे। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों को मारने के लिए अब लगातार क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि एक ही प्रहार से ज्यादा सैनिकों को मारा जा सके। तो भीषण जंग के बीच रूसी सुखोई 34 कुर्स्क में कहर बरपा रहा है। रूस क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है। बॉर्डर के करीब रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैन्य वाहन नष्ट हो गए। रूस लड़ाकू हेलीकॉप्टर से भी लगातार हमले कर रहा है। रूसी Mi-35M हेलीकॉप्टर से कुर्स्क बॉर्डर के करीब यूक्रेनी हथियार गोदाम को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन का एक सैन्य ठिकाना भी भस्म हो गया। यूक्रेन अपनी ड्रोन शक्ति का इस्तेमाल अब कुर्स्क में रसद पहुंचाने के लिए भी कर रहा है। ड्रोन से सैनिकों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमला करने के साथ सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं, तो वहीं रूस के ड्रोन को खत्म करने के लिए यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स आसमान में चक्कर लगा रहे हैं। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर में मशीन गन लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर में सवार जवान रूसी ड्रोन को इसी तरह हवा में भस्म कर रहे हैं। कुर्स्क में यूक्रेन का ऑपरेशन ब्रिज जारी है। यूक्रेनी सेना ने कई छोटे पुलों को तबाह कर दिया है। हर दिन यूक्रेनी सेना पुलों को टारगेट कर रही है। कई पॉन्टून पुल को भी नष्ट कर दिया गया है। कुर्स्क में कितनी बड़ी जंग चल रही है, इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। रूसी सेना अपने ही शहर को खंडहर बना रही है, तो वहीं यूक्रेनी फौज कुर्स्क में तबाही मचा रही है। यूक्रेन की सेना कुर्स्क में अमेरिकी GBU-39 बम का इस्तेमाल कर रही है। कुर्स्क के जिन इलाकों में रूसी सेना की मजबूत पकड़ है, वहां इस बम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
यूक्रेनी सैनिक अब कुर्स्क को रूस से अलग करने की ठान चुके हैं। तमाम प्रशासनिक और सरकारी दफ्तरों पर अब यूक्रेन के सैनिकों का कब्जा है। कुर्स्क के अलावा रोस्तोव में भी यूक्रेनी हमले से विध्वंस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रोस्तोव के तेल डिपो की आग भड़कती जा रही है। फायर फाइटर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। रोस्तोव के तेल डिपो में 5 दिनों से आग लगी हुई है। यहाँ एक और टैंकर में विस्फोट के बाद आग और भड़क गई है। क्रुक्स और रोस्तोव का बदला कीव से लेने की पूरी तैयारी में है। इसीलिए कीव की सुरक्षा के लिए कई लेयर्स बनाए गए हैं। यूक्रेन की राजधानी में कई एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। नेटो देशों के सैटेलाइट से भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल रूस को इस वक्त सबसे अधिक फिक्र कुर्स्क में न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा को लेकर है, जबकि यूक्रेनी सैनिक लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वैसे निप्रो नदी के तट पर रूसी सेना की गोलीबारी की भी खबर है। यूक्रेनी सेना के नाव पर हॉविट्जर से गोलाबारी की गई है। बोट से निप्रो नदी पार करने की कोशिश नाकाम। गोलाबारी में 6 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। तो कीव के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगले 12 घंटों में रूस कीव पर अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिकी दूतावास ने ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा होगा, तब रूस यूक्रेन की राजधानी को समंदर और हवा से दहला सकता है। रूस के हमलों से निपटने के लिए कीव में यूक्रेनी एयर डिफेंस और सेना किस तरह से हाई अलर्ट है, सीधे कीव से यही बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। अगस्त 2024, ये वो तारीख है जब यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ सकता है। अगस्त 2024, कुछ घंटों बाद ही ये दिन आने वाला है और इसी के साथ कीव पर भीषण बारूदी वज्रपात होने वाला है। रूसी सेना कुर्स्क, मॉस्को, बेलगोरोद, वोरोनिश और रोस्तोव का विध्वंसक बदला लेने जा रही है। रूस की तैयारी पूरी हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कीव विनाश की आग में जलने जा रहा है। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूँ। कल यानी 24 अगस्त को यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। इस दिन कीव में रूस कयामत की बरसात कर सकता है। 24 अगस्त 2024, रूस ने कीव पर हमले के लिए इस तारीख को मुकर्रर इसलिए किया है क्योंकि इसी दिन यूक्रेन अपने 33वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएगा। लेकिन इसी दिन रूस के हमले से कीव में मातम का माहौल हो सकता है। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने बारूदी वज्रपात कर कीव को ध्वस्त करने का प्लान तैयार कर लिया है। रूस
के इस खतरनाक प्लान का खुलासा कीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने किया है। अमेरिकी दूतावास ने ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को अलर्ट रहने के लिए कहा है। कीव पर रूस के सबसे बड़े हमले का खतरा मंडराया तो अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी कि वो फिलहाल यूक्रेन की यात्रा पर ना जाएं। रूस कीव में कैसा बारूदी प्रलय लाने जा रहा है उसका ट्रेलर 24 घंटे के अंदर रूसी सेना के बारूदी एक्शन से देखने को मिला। अवदीपका में रूसी सेना ने यूक्रेन के टोर M2 सैम मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन के न्यूयॉर्क में रूस ने यूक्रेनी फोर्स की एक टुकड़ी को तबाह कर दिया। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के वोजेवोय इलाके पर कंट्रोल कर लिया है। रूसी फौज ने भीषण हमला कर खार्किव में 2 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। खार्किव में रूसी सेना अब तक 50 से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर चुकी है। ज़ेपोरिज़्या में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 सैन्य ठिकानों का नामोनिशान मिटा दिया। खेरसोन में रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 7 सैनिक मारे गए। चौबीस घंटे में रूसी सेना के हमले तो तबाही की सिर्फ झांकी है। ब्लैक सी और एंगल्स एयरबेस पर रूस ने जिस तरह से विनाशक युद्धपोत और बॉम्बर की तैनाती की है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि कीव पर कयामत की बरसात होने जा रही है। तो 24 अगस्त यानी कल यूक्रेन की राजधानी कैसे ध्वस्त हो सकती है अब इसे समझिए। रूसी सेना कीव पर समंदर और हवा से हमला कर सकती है। यूक्रेन के सबसे करीब मौजूद एंगल्स एयरबेस को एक्टिव कर दिया गया है। एंगल्स एयरबेस यूक्रेन से सिर्फ 480 किलोमीटर दूर है। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने अलग अलग एयरबेस से TU-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। इतना ही नहीं, इसी एयरबेस पर रूस के Sukhoi-34 के 3 स्क्वाडन भी पहुंच चुके हैं। रूस ने ब्लैक सी में भी बड़ी तैनाती कर दी है। कीव पर हमले के लिए काला सागर में 6 नए युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। कीव पर एक साथ 2 मोर्चों से भीषण हमले की तैयारी है। रूस हवा और समंदर से यूक्रेन की राजधानी पर बारूदी वज्रपात कर सकता है। चौबीस अगस्त को कीव में बहुत बड़े विध्वंस की संभावना इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क से लेकर क्रीमिया और क्रास्नोदर को कई दिनों से जला रही है। यूक्रेन के हमलों से रूसी सेना को हर दिन बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस बात से भड़के पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है। क्रास्नोदर के कवकास पोर्ट पर यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन के टारगेट पर रूस का जहाज था। हमले की वजह से जहाज समंदर में डूब गया। जहाज में 30 तेल टैंक थे। हमले के बाद टैंकर्स में भीषण आग लग गई। माना जा रहा है कि जहाज से कीव पर हमले के लिए हथियार भेजे जा रहे थे, इसीलिए यूक्रेन ने इसे तबाह कर दिया। इस आग और धुएं को देखिए, यह रूस के वोल्गोग्राद की तस्वीरें हैं। यूक्रेन के हमले के बाद रूसी ऑयल डिपो 48 घंटे से इसी तरह से धधक रहा है। अड़तालीस घंटे की मशक्कत के बाद भी रूस ऑयल डिपो की आग को बुझा नहीं पाया है। यूक्रेन के ड्रोन विस्फोट से 2000 करोड़ रुपए का ऑयल डिपो धू धू कर जल रहा है। ये का
पिछले तीन दिनों में यूक्रेन इसी तरह से रूस के अंदर दो ऑयल डिपो, तीन एयरबेस और एक ऑयल फेरी को जला चुका है। इतना ही नहीं, यूक्रेन युद्ध के मैदान में भी रूसी सेना को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ज़ेपोरिज़्या में यूक्रेनी फोर्स ने एम्बुश कर रूसी सेना की टुकड़ी को उड़ा दिया। खार्किव के वोवचैंक्स में यूक्रेन ने रूसी सेना पर जेटैम गाइडेड बम से हमले किए। डोनस में यूक्रेन ने रूस के एक ठिकाने पर कब्जा कर लिया। खेरसोन में यूक्रेन ने रूसी सेना के अड्डे पर हैमर बम से धावा बोला। युद्ध के मैदान हो या फिर रूस की धरती, यूक्रेनी सेना ने पिछले 48 घंटे में जिस तरह की तबाही मचाई है उसका परिणाम अगले 12 घंटे में देखने वाला है। पुतिन और उनकी सेना इसकी कीमत वसूलने जा रही है, वो भी उस दिन जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस के रोस्तोव में जलते ऑयल डिपो पर फिर हमला किया गया। रोस्तोव के प्रोलेटरस्क में तेल डिपो पर ड्रोन हमला। ड्रोन हमले के बाद तेल डिपो में आग भड़क गई। तो अरब सुलग रहा है, इसराइल ईरान में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने ऐलान किया है इसराइल से गाजा का भी बदला लिया जाएगा और 55 साल पुराने अल अक्सा अग्निकांड का भी, जिसके बाद इसराइल पर कभी भी हमला किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर क्या था अल अक्सा अग्निकांड और ईरानी प्रॉक्सी के किस ऐलान से मोसाद से लेकर पेंटागन तक में खलबली मच गई। रात बारूद बरसेगा, अरब में तबाही का जलजला आएगा। ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्कों को एकजुट होकर प्रदर्शन के लिए कहा है। हालांकि अल अक्सा अग्निकांड 21 अगस्त 1969 को हुआ था, जब एक ऑस्ट्रेलियाई मूल के ईसाई नागरिक ने अल अक्सा में घुसकर आग लगा दी थी, जिसके बाद पूरे अरब में तनाव फैल गया था। इस्लामिक मुल्कों ने इसराइल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। अब उस अग्निकांड की 55वीं बरसी पर ईरानी प्रॉक्सी को प्रदर्शन कर रहे हैं और एकजुट होकर इसराइल को तबाह करने की कसम खाई है। अल अक्सा मस्जिद में आगजनी करने वाले शख्स का नाम डेनिस माइकल था, जिसे दो दिन बाद 23 अगस्त 1969 को गिरफ्तार कर लिया गया था। अल अक्सा अग्निकांड के बाद इस्लामिक देश गुस्से में थे, इसराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़े हमले का ऐलान किया था। जबकि आज भी ईरानी प्रॉक्सी इसराइल से बदला लेने के लिए बेचैन है। उस अग्निकांड का बदला इसराइल को युद्ध की आग में जलाकर लेना चाहते हैं। पूरे मिडल ईस्ट में प्रदर्शन को देखते हुए इसराइल ने हमले कम करने का ऐलान किया है, लेकिन उसने बयान जारी किया है कि प्रदर्शन की आड़ में हमले हुए तो पूरे अरब में वो तबाही मचा देगा। इस बीच रूस मिडल ईस्ट की स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर आया है, जिसमें यूएन में रूस के प्रतिनिधि ने कहा है, मध्य पूर्व में शांति के प्रयासों में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मनमानी रुकावट पैदा कर रही है। अमेरिका इसराइल के गाजा पर हमलों को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। हम आग्रह करते हैं सुरक्षा समिति इस दिशा में ठोस कदम उठाए। रूस ऐसे वक्त में प्रस्ताव लेकर आया है जब इसराइल को ईरानी प्रॉक्सी ने घेरा हुआ है और इसी छटपटाहट में इसराइल लगातार हमले कर रहा है। दरअसल रूस की कोशिश है किसी भी तरह से इसराइल की मदद रुकनी चाहिए, जिससे वो गाजा पर हमला रोकने के लिए मजबूर हो जाए। अरब में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। एक तरफ रूस ईरान चीन गठबंधन बना चुके हैं, दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल मिलकर उसका मुकाबला करने को तैयार है। इस बीच ईरानी प्रॉक्सी ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं।
अलक्सा मस्जिद अग्निकांड की 55वीं बरसी पर प्रदर्शन के दौरान ये ऐलान किया गया कि अब इसराइल का संपूर्ण खात्मा होकर रहेगा, क्योंकि इसराइल लगातार ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों पर हमले कर रहा है। जवाब में ईरानी प्रॉक्सी को ड्रिप पलटवार कर रहे हैं। लाल सागर में होती ने दो जहाज जला दिए। ये हमले होती ने यमन में मौजूद अपने ठिकानों से किए। इसके लिए शॉर्ट रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया, जबकि इसके जवाब में टास्क फोर्स ने होती के 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इस वक्त ओमान की खाड़ी में हालात बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि अब टास्क फोर्स होती ठिकानों को तबाह करने के लिए यमन की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात लाल सागर धधक सकता है, क्योंकि हूती को रूस और ईरान से हाईटेक हथियार मिलने के बाद वो बेहद ताकतवर हो चुका है। हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा है, मैंने यमन के सभी लोगों से कहा है कि इसराइल के खिलाफ हमारे ऑपरेशन में साथ दें। अलक्सा अग्निकांड के साथ हम फिलिस्तीन नरसंहार का भी बदला जरूर लेकर रहेंगे। हूती के अलावा हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर हमले करने शुरू कर दिए। इस वीडियो में देखिए कैसे हिजबुल्ला ने इसराइल के मेरान एयरबेस को हमले में खाक कर दिया। मेरान एयर कंट्रोल बेस है जिस पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा है, लेकिन हिजबुल्ला के हमलों में वो भी खाक हो गया। हिजबुल्ला ने 2 मिसाइलें हमले में इस्तेमाल की थी। इसके अलावा अल गजर इलाके में भी लेबनान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें ATGM का इस्तेमाल किया गया, जबकि पलटवार के लिए इजरायली सेना तुरंत एक्शन में आ गई। लेबनान में घुसकर इजरायली जेट SU-34 ने बम बरसाए, जिसमें हिजबुल्ला के 3 ठिकानों को तबाह कर दिया। जिबियान में हथियार डेपो खाक कर दिया। आयता असाब और मैसिल जबाल में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जमी दोष कर दिया। कुछ घंटे पहले भी हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। हिजबुल्ला और हमास के हमले जारी हैं, जिससे इसराइल में लगातार सायरन बज रहा है। जो एक बड़े विनाश का इशारा दे रहा है कि अब अरब कभी भी धधक सकता है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी 55 साल पहले हुए अलक्सा अग्निकांड का बदला इसराइल से लेने के लिए बेचैन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और भूमध्य सागर से ओमान की खाड़ी तक अमेरिका के 34 वॉरशिप तैनात हो चुके हैं। इस पूरे इलाके पर अमेरिका की नजर है। अरब में जबरदस्त हलचल की वजह ईरान के प्रतिशोध की आशंका है। डर है आज रात ईरान इजराइल पर सीधा हमला कर सकता है। इजराइल की रक्षा के लिए बाइडेन ने मिडिल ईस्ट को अमेरिकी नौसेना के बेस में बदल डाला है। यानी आज रात ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल देगा, जिसके बाद अरब का युद्ध की आग में जलना तय माना जा रहा है। तबरीज एयरबेस पर हलचल बेहद तेज हो चुकी है। हमादान एयरबेस पर मिसाइलें और फाइटर जेट्स तैयार हैं। वाहदती एयरबेस पर सेना की बड़ी मूवमेंट हो रही है। पश्चिमी ईरान में IRGC के सभी एयरबेस और मिलिट्री बेस अलर्ट मोड पर हैं।
IRGC के सभी कमांडर्स सेना एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है, मिसाइलों को लोड किया जा रहा है। आशंका है कि इन सभी तैयारियों के सेंटर में है ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इसराइल, जिस पर ईरानी धरती से आज रात सीधा हमला होने की आशंका है। आशंका है कि ईरान इसराइल संहार की तैयारी कर चुका है और वो आज रात किसी भी वक्त इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट की वर्षा कर सकता है। तेल अवीव में तबाही ला सकता है। सवाल है कि ईरान के इसराइल पर हमले की प्रबल आशंका क्यों है? वो कौन सी वजह है जिससे इसराइल पर विनाश के बादल मंडराने लगे हैं? ईरानी हमले की आशंकाओं के पीछे दो बड़ी वजह हैं। नंबर एक, ईरान ने अपने पश्चिमी एयर स्पेस को बंद कर दिया है, किसी भी एयरलाइंस को यहां से नहीं गुजरने की सलाह दी है। ये बंदिश 24 अगस्त तक जारी रहेगी। नंबर दो, अगले 24 घंटे में ईरान 14 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। ये स्पेस में ईरान का सबसे बड़ा मिशन होगा। यही वो वजह है जो इसराइल पर ईरानी हमले के षड्यंत्र का संकेत दे रही है और खाड़ी में युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल सकती है। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी की तरफ से ईरान पर हमले का दबाव बढ़ता जा रहा है। सुलेमानी की मौत के बाद वो ईरान से बड़े हमले की मांग कर रहा है जो सीधा ईरानी धरती से तेल अवीव पर हो। हाल ही में खबरें आई थी कि खामेनेई ने फिलहाल ईरानी प्रॉक्सी से ही हमले जारी रखने के लिए कहा है, लेकिन हिजबुल्ला और बाकी संगठन इस बात से नाखुश है। ऐसे में ईरान के प्रभुत्व पर खतरा मंडराने लगा है। इन हालातों में माना जा रहा है कि ईरान आज रात ही इसराइल पर बड़ा हमला कर सकता है और इसीलिए ये सब तैयारियां की गई हैं। ईरानी हमले की जानकारी रूस को भी है। रूस जानता है कि इसराइल पर पलटवार जरूर होगा। दावा है कि रूस की तरफ से ईरान को नए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं, जिसकी टेस्टिंग भी IRGC ने शुरू कर दी है। इन्हें ईरानी शहरों, मिलिट्री बेस और एयरबेस के आसपास तैनात किया जाएगा। साफ है इसराइल पर ईरानी हमले में रूस उसका हर तरह से साथ देने वाला है। इधर अमेरिका भी इसराइल के साथ डट कर खड़ा है। बाइडेन को भी आज रात ईरानी हमला होने की खबर है। ऐसे में इसराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने पुख्ता घेराबंदी की है। भूमध्य सागर में लेबनान, सीरिया और लीबिया के पास इसराइल ने USS आर्ले बर्क, USS जॉर्जिया और USS रूजवेल्ट वॉरशिप को तैनात किया है। लाल सागर में यमन के पास अमेरिका का USS कोल मौजूद है। स्वेज कैनाल के पास अमेरिका ने अपने USS बालकली युद्धपोत को मोर्चा संभालने के लिए उतार दिया है। अमेरिका ने सबसे बड़ी तैनाती ईरान के पास ओमान की खाड़ी में की है। यहां अमेरिका का USS रसल, USS माइकल मर्फी, USS डैनियल इनॉय और USS मैकवेन जंग की स्थिति में हमले के लिए रेडी है। यानी इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट अमेरिकी नेवी की छावनी में तब्दील हो चुका है। दावा है कि इस वक्त अमेरिका के तकरीबन 34 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। अमेरिकी नेवी का तकरीबन 30% हिस्सा मिडिल ईस्ट में मोर्चा संभाले हुए है और ये सारी तैयारियां सिर्फ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के खिलाफ है। बाइडेन जंगी बेड़े तैनात कर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। अगर आज रात IRGC ने इसराइल पर हमला किया तो ईरान के शहरों पर समंदर से ऐसी बारूदी वर्षा होगी जो उन्हें राख बना डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगजनी और तोड़फोड़ की गई।
संसद के गेट को तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारी संसद के अंदर घुस गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने कानून के रखवालों पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर ईंट और पत्थरों से हमला किया। देखते ही देखते संसद के बाहर ही पुलिस और पब्लिक में जबरदस्त जंग छिड़ गई। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की तस्वीर है जहां संसद पर अचानक जनता ने धावा बोल दिया। हजारों की भीड़ ने संसद के बाहर जबरदस्त बवाल काटा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने चुनाव कानून में बदलाव की कोशिश की तो जनता न सिर्फ सड़क पर उतर आई बल्कि संसद पहुंच गई। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जनता के गुस्से की वजह इंडोनेशिया की सरकार का वो प्रस्ताव था जिसे वो अदालत के फैसले को पलटने के लिए संसद में लाना चाह रही थी। दरअसल इंडोनेशिया की सर्वोच्च अदालत ने जनप्रतिनिधि कानून में बदलाव की कोशिशों को खारिज करते हुए चुनाव लड़ने की उम्र को न्यूनतम 30 साल बरकरार रखा था। वही राष्ट्रपति जोको जोकोवी विडोडो के बेटे की उम्र 29 साल है। वो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते थे लिहाजा वो इस कानून में बदलाव कर उम्र सीमा को कम करना चाहते थे। लेकिन इंडोनेशिया की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। जकार्ता के साथ साथ पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कीव में युद्धग्रस्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने कहा कि भारत शांति का समर्थक है और यूक्रेन रूस विवाद का समाधान हथियारों से नहीं वार्ता से होना चाहिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो दुनिया की नजर इस दौरे पर टिक गई क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसकी रूस से भी मित्रता है और यूक्रेन में शांति का प्रबल समर्थक भी है। मारिंस्की पैलेस में हुई द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति का पुरजोर समर्थन भी किया और युद्ध के बजाय संवाद से विवाद के समाधान का मंत्र भी दिया। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति टू इयर्स अगो इन समरकंद व्हेन आई मेट प्रेसिडेंट पुतिन आई हैड टोल्ड हिम लुकिंग इनटू हिज आई इन फ्रंट ऑफ द मीडिया दैट दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी लास्ट मंथ एज वेल व्हेन आई विजिटेड रशिया टू मीट प्रेसिडेंट पुतिन आई टोल्ड हिम वेरी क्लियरली दैट प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड ऑन द बैटलफील्ड। रास्ता बातचीत से निकलता, ओनली वे ऑफ रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज थ्रू डायलॉग एंड थ्रू डिप्लोमेसी एंड दैट विदाउट लूजिंग एनी फर्दर टाइम वी शुड मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में जेलेंस्की के साथ वॉर म्यूजियम का दौरा भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना भी दी। पीएम मोदी ने युद्ध में मारे गए बच्चों के स्मारक पर फूल अर्पित करके अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की। जेलेंस्की, हम लंबे समय से एक बात सुनते आए कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था,
Your Excellency, we've been talking about the war, which has been going on for a long time. And the first casualty of the war is truth. Today, when I had an occasion to pay my respects to the children who had lost their lives, and I went to the memorial which was constructed in their memory along with you, my heart was filled with emotions and my heart felt... भारत के प्रधानमंत्री ही इकलौते नेता हैं जो युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों देशों के दौरे पर गए हैं। 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति पुतिन के साथ गर्मजोशी भरा रिश्ता नजर आया। 23 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचे। जिस तरह जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने सांत्वना दी, उसी तरह पुतिन की पीठ थपथपाकर अपनी दोस्ती जग जाहिर की थी। मॉस्को में भी शांति की बात की थी और अब कीव से मोदी ने शांति का संदेश दिया है। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले कीव पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत भारत माता की जय के नारों के साथ हुआ। कीव के हयात होटल में पीएम मोदी ने भी भारतीयों से गर्मजोशी से मुलाकात की। विपिन चौबे, कीव, टीवी 9, भारतवर्ष।